भगवति वंदनानेकव सर्वकला समृति डोलन तेरा खोप नानक देख ऐसी लाल तुझ बिन को गरीब निवासी गुसैया मेरा गरीब निवासी गुसैया मेरा माथे छत्ती फिरे तुझ बिन कौन करे नागी
जैसी लाल तुझ बिन को न करे। जब आनंद की घड़ी आती है, शुभ घड़ी आती है, शुभ अवसर होता है, तभी ऐसा शुभ अवसर के अंदर गुरुवाणी का उच्चारण होता है। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज, गरीबों को निवाजने वाला गुरु, सभी गुरु ने यही कहा है कि जो गरीबों की रक्षा करता है, उनकी मदद करता है, उनकी सहायता करता है, वही गुरु होता है। गरीबों को निवाजने वाला, गरीब निवाज गुसई या मेरा, तेरे माथे कितना बड़ा छत्र है, पूरा आकाश छाया हुआ है, ऐसे तेरे बिगर और कौन कर सकता है। जाकी छोत जगत को लागे, जिससे लोग नफरत करते हैं उसको तो अपने हृदय में धारण करता है। जाकी छोत जगत को लागे, ता पर तू ही डरे, नीच हूं ऊंच करे मेरे गोविंद, काहो ते नाए डरे। क्यों डरेगा वो जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसे पावे। अंदर बोलना कोई आवाज नहीं अंदर से। ऐसे ही गुरु महाराज की वाणी, नाम देव कबीर त्रिलोचन, यानी कितने भक्तों का नाम लिया है, किस किस को तारा है तूने, किस किस को संसार से पार किया है। नाम देव कबीर त्रिलोचन, सजना सेन तरह, सजना कसाई था, कितने जीवों की हत्या करके उसको ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उनको भी त्याग दिया। ऐसे ही गुरु महाराज की वाणी के अंदर उन्होंने अनेक प्रकार से संबोधित करता हुआ अपने भक्तों को कहा है। Yeah.
जाने कछु कर मन जान शरण दान मेरे राम रहे तो संतारा संत तेरे तेरे सेवक को पह कछु नाही क्यों होगा भय तेरा सेवक तो अभय होगा जब भी तो संसार में विचरण करेगा भय होगा तो कहीं खड़ा नहीं हो सकेगा तेरे सेवक को भय कछु नाही जम नहीं आवे नेड़े जम तो भाग जाएगा उसका नाम सुनते ही गुरु की वाणी गुरु है वाणी वाणी है गुरु तो जब गुरु की वाणी का उच्चारण सुनते ही भूत प्रेत बाधाएं जम भी नहीं आता मेरे जिसके सिर ऊपर तो स्वामी सो तो कैसे पावे जिसके सिर के ऊपर स्वामी का हाथ होता है जिसके कृपा बरसती है वो दुख क्यों पाएगा जिसके सिर ऊपर तो स्वामी सो दुख कैसे पावे बेल बोल न जाने माया मद माता बोल न जाने माया मद माता मरना चितन आवे कितनी गूढ़ वाणी के अंदर एक ऐसा रहस्य भरा हुआ है जिसका कोई अर्थ नहीं बता सकता जैसे प्याज के छिलके छिलके जाओ उसमें से कुछ नहीं निकलेगा तो ऐसे ये वाणी है इस वाणी के अंदर कोई अर्थ करने वाला कोई कहे कि वाणी नहीं तो महामंत्र है मंत्र तो तुम कराता है वाणी है वो अंदर भीतर अंदर की सोई हुई आत्मा को झजेलता है जगाता है ऐसे ही जो तेरे रंग राते स्वामी तिनका जमने मरण दुख कैसे पाएगा वो जन्म मरण से रहित हो जाएगा वो तेरे एक वक्त ना मेटे कोई सतगुरु का दिलासा नाम ध्याय सुख फल पाया तेरा नाम ध्याता है सिमरन करता है वो ही सुख पाता है बाकी तो आदमी भटकते हैं धोबी वाला कुत्ता घर का रहा ना घाट का नाम ध्याय
सुख फल पाया आठ पहर आराधे, एक पहर नहीं आठ पहर उसका सिमरण में नाम कुम्हारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। उसकी बात कहता हूँ, तेरे शरण तेरे भरवासे पंच दुष्ट ते साधे। बड़ी गूढ़ बातें हैं, इनको समझना बड़े गहराई की बातें हैं। ज्ञान ध्यान कछु कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सबसे बड़ा सतगुरु नानक जिन कर राखी मेरी। भाई बहनों, नई साल चढ़ती हुई में गुरुवाणी का उच्चारण हुआ है। आशा करता हूँ गुरु महाराज का शुभ आशीर्वाद प्राप्त करके जाएंगे, सुखी रहेंगे आप लोग। सतगुरुआ के जाय कर ऐसे बोले बोल, कछु कपट राखे नहीं अर्ज करे मन खो। ये आपा तुझको दिया गुरु जित चागे तितरा, मोहनदास द्वारे पढ़ो गुरु भावे जिल को ला। गुरु के आगे बोलने का सवाल नहीं, गुरु के आगे तो चुप होके सुनने का सवाल है। कि गुरु कहे सो कीजिए, करे सो कीजिए, ना है मोहनदास की सीख है यही राख मन माए। गुरु के शरण में जाओ तो चुप होके बैठ के सुन लेना, वहां पर बकबाज मत करना। अगर बकबाज करी तो पछताओगे, एक जन्म नहीं हजारों जन्म तक पछताओगे। जो आदमी गुरुमुख है वो जानता है गुरु की वाणी का अर्थ, वो यही कहता है, दर्शन देख दीवार गुरु तेरा, दर्शन देख दीवार गुरु तेरा, पूरन करे मैं ओए प्रभु ने दर्शन दे दिवा गुरु अपनी शरण राख प्रभु दाते
बिने प्रभु मेरे मिता सुनो बिने प्रभु मेरे चरण कमली दर्शन देख जीवा गुरु तेरा पूर्ण कर्म होए प्रभु मेरा। जिसका पूर्ण कर्म उदय होता है वो ही पूर्ण गुरु की शरण जाता है, पूर्ण में से पूर्ण निकाल लिया जाता है, शेष पूर्ण ही बचता है। पार ब्रह्म परमात्मा काला अति सतगुरु पूर्ण है और प्राणी अपूर्ण है। वो अपूर्ण पूर्ण में मिलने के लिए छटपटाता है। जब तक पूर्ण में मिलना जाए जब तक शांति कहां। एक बूंद सागर से बिछड़ती है, लाखों पत्थरों की ठोकर खाती है समुद्र मिलने के लिए। ऐसे ही प्राणी उस पारब्रह्म परमात्मा सतगुरु से बिछड़ा हुआ है, वो दर दर ठोकरें खाता है और ठोकर खाता खाता एक दिन ऐसा आता है कि उस गुरु के शरण में आके सागरी हो जाता है। कहाँ बूंद कहाँ सागर है, लेकिन सागर में गिरने से बूंद डरती है। अगर मैं सागर में गिर गई तो मेरापन तो नहीं रहा, मेरापन है तो तू गुरु का सेवक ही नहीं हो सकता। अपने आप को मिटा के जाएगा तभी गुरु का सेवक होगा, शिष्य होगा, सिख होगा। यही विनती सुन प्रभु मेरे, देह नाम कर अपने तेरे। हे पारब्रह्म परमात्मा तेरा नाम दे मेरे को, तेरा सिमरन दे कि मैं किस विधि से, कोई विधि की नाम की कोई विधि नहीं होती, ना कोई पद्धति होती है ना कोई विधि होती है, नाम तो सिमरन होता है, इसका सिमरन करो। ये महामंत्र है। अपनी शरण राख प्रभु दाते हैं, तो अपनी शरण रख ले, बस कुछ मेरे को नहीं चाहिए। गुरु प्रसाद किन्नी बिरले चाखी, बहुत बिरले होते हैं जो गुरु का एक एक कण उठा करके चाखता है। एक कण भी नीचे गिर जाता है उसको भी अमृत करके पीता है। जहाँ तो बैठाएगा वहाँ ही मेरी मंजिल होगी, जहाँ चलाएगा वही मेरी गति होगी। अगर तू खुए में डाल देगा तो मैं सोचूंगा हजारों सागरों को पार करके आया हूँ मैं। ये गुरुमुख का लक्षण होता है। सुने बिनहु प्रभु मेरे मीता चरण कमल बसो मेरे सीता। हे प्रभु तेरे चरणों की धूली मैं हमेशा के लिए आपको राम सी मेरे राम सी यही तेरा आन है, यही तेरा आन है, राम सी राम सी राम सी
सपनो जो धन पछान काहे परे करती गुमान। सपने जो धन पछान काहे परे करती गुमान। बारू की भीत जैसे बिन से जैसे है तेरो नानक कहत बिन से छिन छिन कर दे प्राणी। राम सिमर राम सिमर यही तेरो काज, यही तेरो काम है, इसमें राज छुपा हुआ है। माया को संग त्याग, माया का संग परित्याग कर दे। गुरु की शरण जाना है, गुरु की शरण रहना है, गुरु की सेवा करनी है, तो ये नियम है। माया को संग त्याग प्रभु जी की शरण लाग, फिर तो प्रभु की शरण लागे। जगत सुख मान मिथ्या, ये सारी संसार का सुख है ये मिथ्या है, झूठो सब है साज है। ये तेरा साज बाज जितना भी है, तेरा सजावट है, ये मेरा मकान है, ये मेरा परिवार है, ये मेरी माया है, ये मेरी संपत्ति है, मेरी जमीन है, मेरी जायदाद, क्या है तेरा? जो तेरा है, जो मेरा है, मेरा है जो तेरा है, खाली हाथ करके जाएगा, सब यहीं छोड़ जाएगा। सपने जो धन पछाण है, ये धन क्या है? जैसे सपना, रात को आया लखपति बन गया, करोड़पति बन गया, सुबह आया तो कुछ भी नहीं, भिखारी बन गया। सपने जो धन पछाण काय पर करते है तुम मान गुमान, काय का मान गुमान करता है। बारूकी सी भीत जैसे, जैसे बारूकी जैसे रेत की भीत होती है, वसुधा को राज है। बारूकी सी भीत एक रोज हवा चली ताश के पत्ते ही उड़ जाएंगे। नानक जन कहत बात बिनसी जैसे है तेरो गात। धीरे धीरे तेरे अंदर कोई बीमारी लग जाएगी तो धीरे धीरे शरीर के अंदर से कमजोरी आएंगी, फिर चलना बंद हो जाएगा, फिर सांस की गति भी रुकने लग जाएगी। ऐसे ही ये जिंदगी है आदमी की। छिन छिन करत देह को काल, छिन छिन जैसे धीरे धीरे हलाल करता है, ऐसे काल तेरे नज़दीक आ रहा है,
मौत को पिछान है। जैसे ताज साज, तेरा ताज है साज है, सब मिट्टी में जाएगा। साहब मेरा मेहरबान, साहब मेरा मेहरबान, जिस कल को दे दीदा, जिस कल को दे दीदा, साहब मेरा मेहरबान, yeah।
कुदरत की मन जानिए मन जानिए मन जानिए कुदरत की मन जानिए वडावे Amen.
साहब मेरा मेहरबान। साहब उसी को कहते हैं जो सबका सृष्टा, सबका रचनाकारक, सबका मालिक, सबका स्वामी। साहब मेरा मेहरबान, जी सकल को दे दान। तुम्हारे पास क्या है दान देने को? प्राणी तो आप खुद ही भीख मंगा की तरह से दर दर भटके, ठोकर खावी, लोभी कपटी कामी। जिसके मन में कपट है, लोभ है, वो दर दर भटकते हैं। धोबी वाला कुत्ता घर का घाट का। जिन आदमी को अपने गुरु घर का पता ही नहीं है, वो आदमी भटकता है, गुरु घर को छोड़ करके भटकता है, वो नरक में जाता है। जी सकल को दे ही दान, तू काहे डोले प्राणियां, तू दी राखेगा सदहार। अरे प्राणी मूर्ख है तू, तू दर दर क्यों भटकता है? तू काहे डोले प्राणियां, तुझे राखेगा सृजनहार। जिन पैदाइश तू किया सो ही दे आधार। जिन्होंने पैदा किया है वो अपने आप ही रक्षा करेगा, अपने आप ही सब कुछ करेगा, और फिर तू मूर्ख अज्ञानी जीव भटक रहा है। जिन उपाई मेदनी सो ही करता सार। जो तेरे को पैदा करता है, माँ पैदा करती है, गर्भ में 9 महीना तक रखती है, ऐसे ही पार्वण परमात्मा काला अतीत अपने सेवक की आप सहाय नित्य प्रति पारे बाप जैसे माई। जिन उपाई मेदनी सोही करता सार, घट घट मालक दिलांदा सच्चा परवदगार। वो सच्चा है, तू झूठ है, झूठ झूठ होता है, सत्य सत्य होता है। कुदरत की मन जानिए बड़ा बेपरवाह। बेपरवाह क्यों परवाह करेगा किसकी? परवाह तो तुम करते हो कि तुम कीचड़ में फंसे हुए हो। तो काहे डोले प्राणियां, तू डरा के गा सिरजनहार। कुदरत की मन जानिए बड़ा बेपरवाह, कर बंदे तू बंदगी जी तर, तू सामर्थ अखंड अगोचर है। जीव पिण तेरे रास, रह में तेरी सुख पाइया सदा नानक की। नानक गुरु साहब यही हमेशा के लिए अरदास करी है, प्रभु कीजिए कृपा निधान। हे प्रभु ऐसी कृपा करो, कीजिए कृपा निधान, हम भी हरिगुण गावेंगे, हम भी तेरे चरणों में बैठ करके कभी उस हरि का नाम लेने का सेवन करने का सौभाग्य प्राप्ति होगा। हम भी हरिगुण गावेंगे, हम तुम्हारी करें नित आस प्रभु, मोहे कब गल जावेंगे। बड़ी अजीब बात है, करुणा भरी बात है, अंदर की भीतर की अंतर आत्मा की आवाज है। हम बारक मुगद अज्ञान, हम तो बच्चे हैं बिल्कुल अनजान है, हमें कुछ भी पता नहीं। हम बारक मुगद अज्ञान पिता समझाएंगे, सत किन किन भूल बिगार जगत पित भावेंगे। जो स्वामी तुम देहोगे सो ही हम पावेंगे, हमें दूजी नाही ठोर जिसपे हम कहाँ जाएंगे। जो हरि भावे भक्त ना हर भावेंगे, ज्योति ज्योत मिलाए ज्योत, एक दिन ज्योत में ज्योत मिल जाएगी। हरि आपे ही होत कृपाल, आप लवलावेंगे जन नानक सरणी द्वार, आप ही मेरी लाज रखावेंगे। इसी प्रकार से गुरु महाराज की वाणी का अनंत अनंत है, अर्थ क्या करें। गुरु सिख मीत चलो गुरु चाली, गुरु मित गुरु कहे सो ही भलो ना, जो गुरु कहे सो ही भल जानो। हरि हरि कथा निराली, हरि हरि कथा
अंधले अंध दिखे भिखारी राते हमें अंधेले अंधी दिखे दिखी राते क्यों चाले ही गुरु चाली
हे गुरु की शिष्य, गुरु सिख मीत चलो गुरु चाली, जो गुरु की चाल है उसको समझो कि क्या कहता है गुरु, क्या कह रहा है, जो गुरु कहे सो ही तुम्हारा भला है। हरे हरे कथा निराली, प्रभु की कथा है बड़ी निराली है, ऐसे नहीं कि ये कोई कविता है, कविता नहीं है, ये तो एक कथा ही अलग है। गुरु कहे सो कीजिए, करे सो कीजिए, ना है मोहनदास की सीख यही राख मन माए, जो भटक गया भटक गया। माई में धन पायो हरे नाम, धन पायो
को होत दयाल कृपा निधि सोही गोविंद गुण गावे ना को हो दयाल दयाल निधि सोही गोविंद गुण गावे कहो हर का नाम जब तक धागा बाहू